KSN 24 पल पल की खबर। विधायक आदर्श ग्राम नवागांव कला में कच्ची शराब का गोरख धंधा बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। सोमवार की दोपहर महिलाओं ने कच्ची शराब बनाने व पीने वालों को 40 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़कर दर्री पुलिस को सौंप दिया है। ग्राम पंचायत नवागांव कला का आश्रित ग्राम झाबू के जंगल में कुछ ग्रामीण अवैध रूप से महुआ शराब बनाकर विक्रय किया जाता है। वर्तमान में शराब भट्टी बंद होने से कच्चे शराब की मांग बढ़ गई है, लिहाजा शराबी 40 किलोमीटर दूर से नदी के रास्ते शराब लेने पहुंचते हैं। नदी में पुलिस नहीं पहुंचती, इसलिए बेखौफ होकर शराब की तस्करी अब भी जारी है। महिलाओं का यह भी कहना है कि गांव में 20 वर्षों से लगातार शराब बन रही है। अनेकों बार पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस इनसे लेन देन कर छोड़ देते हैं, इसलिए इनके हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। गांव के पूर्व सरपंच लखन सिंह कंवर ने बताया कि उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर 40 लीटर शराब के साथ बनाने व पीने वालों को हिरासत में ले लिया है। अवैध शराब के कारोबारियों को कड़ी सजा मिलना चाहिए, जिससे कि गांव में कच्ची शराब बनाने की कोई सोच भी न सके। आज बिहान वाले का कहते हम दारू पकड़े बगे रहे हैं, भले ही हमारे गाँव के गौटिया फोन करी चला आज जीवो की तो हम खेत गए रहें भाड़ कमाए खेत जितका जी हमने मन तिमन सब खेत जथन तीन मन का कहते गे रहे हैं खेत तहाँ फोन करी नवा जीवो की तो हम गए हैं वहाँ ले काम छोड़ के तहाँ गे रहे हैं तो भाड़ गए रहे हैं कोई पार दारू बंद थे ऊँच बंद थे वन ऊँच रहते हैं वो अब मन बहुत दिन के बनाते हैं आज के नहीं बहुत दिन के और 20-30 साल हो जाते हैं लेकिन आइए भाग गए हैं अभी बनोइया अच्छा वहनी आए अभी ये बलाए हैं दारू पकड़े हैं तहाँ पुलिस ले बलाए हैं तक कहते हैं 40 लीटर हो ही वो दारू है दर्री वाला कथे आई तिकैत मन कथे तिकैत राम मन कथे मन जन बनाते तीज मन कथे उरे कौन है कही कि हम पैसा देते पुलिस वाला मल्ला तेकर ले हमला छोड़ देते दे नंबर है हम पहली समझौता वगैरह तो दे तुरंत वाला नंबर हम बात करवा पुलिस बलावा का हाथ रही आ रही नेता उसने बोलते हम जथन था अबे बहुत दिन के हम कोशिश कर थे आज के नहीं यह बहुत दिन ज़्यादा के 20 साल तो बोला शादी होया तब ले वही कोशिश में लगे हैं कि यहाँ दारू मत बने वही चला थे लेकिन एमन पकड़ा आते लेकिन छोड़ देते हाला जल्दी तो हमारे कहना है आत है पुलिस ते एकदम सही से कार्रवाई करे कि यहाँ दारू बने मत दे हम वही चाहत हन यहाँ दारू मत बने दे हर पुलिस वाला आए और इसने इंक्वायरी करे यहाँ की पूरा साथ दे वो हम गांव के मन पूरा साथ दे वो हाँ पूरा मतलब आए और कहाँ मेर बन थे तेला हम लोग लेके चले हम बताबो कहाँ मेर बन थे तेला लेकिन यहाँ हम दारू बने नहीं दे तू मन बताइया वर्तमान मेरी पत्नी सरपंच है क्या हुआ झाबू के जो महिलाएं हैं उनके द्वारा कच्ची शराब पकड़ा गया मेरे को बुलाया था उसमें और पकड़ के हम लोग सीधा CSP साहब को हमारे मेरी तरफ फ़ोन किया गया है और पुलिस आके यहाँ लगभग 40 लीटर शराब जब्त किए क्या चाहते हैं आप किस तरह यहाँ क्या है यहाँ अभी लॉकडाउन चल रहा है लॉकडाउन के चलते बाहरी आदमी बहुत आना जाना हो रहा है बाहरी आदमी का तो हम यही चाहते हैं कि शराबबंदी पूर्ण तरह से बंद हो ताकि यहाँ अपने नवागांव या झाबू अच्छा सुधार हो सके। घर घर में तो नहीं बिकता लेकिन बनाते हैं दो चार घर 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 में नहीं बिकते। अभी क्या चाह रहे हैं अभी तो हम यही चाह रहे हैं कि सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि शराबबंदी पूर्ण रूप से हो जाए। फिर से शराबबंदी चालू हुआ तो फिर क्या करेंगे शराबबंदी को तो फिर से हम महिलाओं द्वारा अभियान चलाया जाएगा हम भी उनका सहयोग करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर आज पेट्रोलिंग दौरान झापू नाव गाँव जाकर टिकट राम के घर दबीज दिए टिकट राम धनवार पिता छत राम धनवार जो झापू नाव गाँव का रहने वाला है उनके घर दबिश देने पर दो सफ़ेद रंग के प्लास्टिक के जर्किन में फूल भरा हुआ कुल 40 लीटर महुआ शराब जब्त की गई उनके विरुद्ध आबकारी एक्ट कार्रवाई की गई। सर ये घर में बनाता है कि कहीं से लाया हुआ था घर में बनाकर बिक्री करता था उसके पास से बिक्री रकम भी जब्त की गई है 40 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। देखा जा रहा है सर बंदी के दौरान ये सब जो बन रहा है तो ये क्या
थोक विक्रेता है और किसी को और बिक्री करता था? स्वीकार तो किया है बिक्री करना, शराब बना के बिक्री करना स्वीकार किया। KSN 24 न्यूज़ के लिए कोरबा से संतोष दीवान की रिपोर्ट।